आगरा व्यापार मंडल के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में रावतपाड़ा स्थित राम स्वरूप गर्ल्स सेंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया गया। व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। आगरा व्यापार मंडल के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में रावतपाड़ा स्थित राम स्वरूप गर्ल्स सेंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया। इस शिविर में व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में मौजूद आगरा व्यापार मंडल के महामंत्री नितेश अग्रवाल ने बताया कि इस बार रक्तदान शिविर में 1000 से अधिक रक्त यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य व्यापार मंडल ने निर्धारित किया है। एक वृद्ध रक्तदान शिविर का यहां आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1000 प्लस यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष भी हमने 597 यूनिट का यहाँ पर एकत्रित किए थे और इस बार वो लक्ष्य बढ़ाकर 1000 कर दिया। सभी पूरे शहर भर की व्यापार कमेटियों के जो सदस्य हैं, जो व्यापारी है, वो यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। सब में बेहद उत्साह है और करीब 1500 से लेकर 2000 फॉर्म हमारे पास एकत्रित हुए हैं और हमारे को उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा यूनिट यहाँ पर हम लोग ब्लड जो है कलेक्ट कर लेंगे। और सभी रक्तदाताओं का हम लोग आगरा व्यापार मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार देना चाहेंगे। लोग एकदम ब्लड बैंक के सभी पैरामेडिकल स्टाफ, उनके सभी सदस्य, उनका सभी का बहुत बहुत आभार। भैया अभी मार्केट में खुलने में अभी लगभग आधे घंटे का समय हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही हम कम से कम 150 यूनिट का योगदान व्यापारियों के द्वारा ले चुके हैं। आगरा व्यापार मंडल के जो व्यापारी हैं वो पिछले साल भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो पहला रक्तदान शिविर लगा था उसमें 597 यूनिट का योगदान दिया था। इस बार उन्हीं के सामर्थ्य से, उन्हीं के सहयोग से 1000 यूनिट का आगरा व्यापार मंडल के आदरणीय अध्यक्ष श्री टी एन अग्रवाल जी और उनकी टीम ने लक्ष्य रखा था, जो लग रहा है कि लगभग शाम को समापन तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आगरा व्यापार मंडल के रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं की हौसला अफजाई प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री राकेश गर्ग ने की। उनकी उपस्थिति विशेष रही, उन्होंने शिविर की सराहना की। आगरा व्यापार मंडल की रेजिडेंसी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगरा व्यापार मंडल द्वारा दूसरा एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, 1000 दानदाताओं का लक्ष्य लेकर के, उसकी भी बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और यह तारीफ की बात है कि आगरा व्यापार मंडल और लोकेतम ब्लड बैंक, इन दोनों के कारण से आज पूरे समाज में रक्तदान को लेकर सारी भ्रांतियाँ लगभग समाप्त हो गई हैं। बल्कि रक्तदान देने से ब्लड में जो फ्रेश ब्लड बनता है बॉडी में, वह शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और एक बार एक व्यक्ति दान देता 3 लोगों का जीवन बचाता है। यानी कि आज इस ब्लड बैंक के डोनेशन कैंप से 3000 लोगों का जीवन बचेगा। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई जीवन में नहीं हो सकता। इसके लिए आगरा व्यापार मंडल, लोकहितम ब्लड बैंक के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगरा व्यापार मंडल के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिस प्रकार का उत्साह आज यहां देखने को मिल रहा है वह वास्तव में लाजवाब है और सराहनीय है। 1000 यूनिट ब्लड रक्तदान का जो यहां आज उद्देश्य रखा गया है वह पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। यहां लाइन लग रही है लोगों की रक्तदान करने के लिए। आज तक सरकारों ने व्यापारियों का खून चूसा है और व्यापारियों को जो परेशान करते थे तो व्यापारियों को लगता था कि खून सरकार ले रही है तो उसमें व्यापारी बड़ा दुखी रहता था, पर आज व्यापारी वास्तव में प्रसन्न है। खून देते हुए, अपना रक्तदान करते हुए पहली बार ऐसा हो रहा है कि व्यापारी प्रसन्न हो रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है जो भाई साहब, और बहुत भारी उत्साह है आज व्यापारियों में और ये हमारा दूसरा विशाल रक्तदान शिविर है व्यापारियों का और बहुत उत्साह है। हम लोहारगली व्यापार समिति से यहाँ मौजूद हैं और पिछले वर्ष भी लोहारगली व्यापार समिति द्वारा 110 यूनिट सबसे ज़्यादा रक्त दिया गया था और इस वर्ष भी यही आशा है। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का आगरा व्यापार मंडल ने प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।